हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एक्चुअली आज ये वीडियो नहीं व्लॉग होने वाला है। मैं आज बुकिंग पे जा रही हूँ तो मेरे माइंड में आया कि चलो आज एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो, जो भी आगे आगे होता है वो मैं आपको दिखाती रहूँगी अगर ये वीडियो पूरी हुई तो। ठीक है, सो, वीडियो आपको एंड तक देखनी है और बताना है कि अगर आपको अच्छी लगती है तो फिर मैं आगे भी जब भी जाया करूँगी मैं आपको एक प्रॉपर व्लॉग शूट करके दिखाया करूँगी। सो, अभी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ मेहंदी, मैं दिखाती हूँ आपको। तो अभी ये मेहंदी मैं इसमें मैंने आपका मेहंदी ली है थोड़ी सी, मुझे ऑलमोस्ट एक ही पर्सन को लगानी है बट अच्छे से लगानी है क्योंकि उनको मुस्लिम पैटर्न लगाना है। तो आपको पता होगा कि उसमें बहुत ज़्यादा वर्क होता है मुस्लिम पैटर्न में एज एन इंडियन के अलावा, बट द थिंग इज़ कि ना उसमें मेहंदी ज़्यादा यूज़ होती है, इसलिए मैंने अच्छे से चाहिए तो मेरे को 6-7 कोन थी बट मैंने अराउंड 10 कोन के लिए बना लिए। तो अभी इसमें मैंने मेहंदी, चाय पत्ती का पानी और चीनी ऐड करी है। एक तो दिक्कत पता नहीं क्या हो रही है कि मेहंदी में ऑयल में शायद कुछ दिक्कत है, कलर ही नहीं आ रहा। बता रही थी बहुत टाइम से मेरे साथ हो रहा है कि जो भी मैं ऑयल ले रही हूँ आफरीन का ही ले रही हूँ उसमें कलर का बहुत इशू आ रहा है। अभी आप लगा रहे हो एट अ टाइम यूज़ करो ऑयल डाल के तो अच्छा कलर आ रहा है, बट शाम को अगर आप उस मेहंदी को यूज़ करोगे तो कलर बहुत डल आएगा। जैसे ऐसे आ रहा था ना, ये देखो, ये मेहंदी मैंने कल लगाई थी और ये मैंने अच्छे से 6-7 घंटे रखी, बट आप कलर देखो। और यही मेहंदी मैंने इंस्टेंट लगाई थी और इसका कलर ये 17 तारीख को लगाई थी, आज आपकी 26 तारीख है तो ऑलमोस्ट 9 दिन हो गए हैं, तभी भी कलर है इसमें। और ये देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। अब हम इंस्टेंट इसमें ऑयल डालेंगे जब हमें लगानी होगी, और लगाने के ऑलमोस्ट आधे घंटे पहले जब मैं यहाँ से निकलूँगी तभी ऑयल डाल के इसको लेके जाऊँगी, तभी इसे यूज़ करूँगी। सो, मेरे को यही है, बस अच्छे से ऑयल आना चाहिए, कलर आना चाहिए, ऑयल चाहे मेरा कितना भी वेस्ट हो जाए। तो अभी मैंने दूसरा ऑयल मंगाया है, उसकी अगर अच्छा होता है तो उसकी फीडबैक मैं आपको देती हूँ। ठीक है, सो, जल्दी जल्दी मैं इसको प्रिपेयर कर लेती हूँ फिर हम चलते हैं बुकिंग पे। खाना खाएगा? ले आऊँ खाना? चलो तो खा लो फिर। क्यूटी, चले खाना खाने? चल दो तो, कले हो जाओ। चलो। एक और मुझे जाना है 4 बजे, सो उससे पहले हम प्रॉपर खाना वगैरह बना के खाते जाएंगे। आप लोगों को पर्सनल एडवाइस है कि जब भी आप बुकिंग पे जाए अपना मील जरूर पूरा कंप्लीट खा के जाए, किसी और के भरोसे ना बैठें क्योंकि बुकिंग में पता नहीं कब कितना टाइम लग जाता है और फिर हम लोग भूखे काम करते रहते हैं, विच इज़ नॉट गुड। सो फर्स्ट मील इज़ इम्पॉर्टेंट, सो इसको हमेशा याद रखना। कहीं भी जाना है सबसे पहले आप अपना खाना खा के जाए। सो फटाफट मैं बना लेती हूँ, खा लेती हूँ, मेहंदी पैक कर लेती हूँ, बहुत काम है, फिर निकलते हैं। A few moments later. So, अभी मेहंदी प्रॉपर रेडी हो गई है। अभी इसकी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी हमको ठीक रखनी पड़ेगी बिकॉज हमें ऑयल ऐड करना है। और अभी तो मैं डरी हुई थी क्योंकि क्लाइंट बोलते हैं कि आपका आज का पोस्टपोन कर दो। मैंने कहा नहीं भैया, मेरी मेहंदी रेडी है, मैं वेस्ट नहीं होने दे सकती और मुझे फिर दिवाली है तो उस वजह से नहीं जा पाऊंगी फिर मैं परसों वगैरह। तो वो मान गई, अच्छी है नो डाउट, एडवांस भी था तो उसका फायदा है, आप एडवांस लेके हमेशा रखना। सो, ये मेहंदी अभी रेडी है, एक दो लम्ब से वो अभी निकल जाएंगे। अब हमारी चाय भी साथ साथ में बन रही है, सारा काम करके पूरा निपट के जाना, खा पी के आराम से अपने कम्फर्ट जोन में। सो, ये आफरीन का ऑयल है जिसको मैं भी बता रही हूँ कि अच्छा नहीं चल रहा है अगर इंस्टेंट डालोगे तो। 4 बजे निकलना है, 3:15 बज रहे हैं तो इसलिए अभी उसमें डाल दे रही हूँ। और मैं डाल रही हूँ ऑलमोस्ट इसमें 4-6 ढक्कन तेल डालती हूँ, 1 पूरा भर के, 3 काफ़ी रहेगा क्योंकि बड़ी कैप है, 3-4 ठीक है काफ़ी है क्योंकि बड़ी मेरे पास छोटी वाली थी वो 100 ml वाली, तो वो मैं 6 ढक्कन डाल दी। अभी देख लो कितना सारा है, सारा का ये ऑयल एब्जॉर्ब हो जाएगा पूरा का पूरा। इसको अच्छे से मिक्स करना है।
सो अभी मैं कोन पैक कर रही हूँ, जैसे मुझे बोला मैंने आपको बताया मुझे 6 कोन की नीड है, बट मैं एक्स्ट्रा कोन रख लूँगी। फिलहाल मैं 5 ही बनाती हूँ, बाकी काम आएगा। तो इस तरीके से आपको बॉक्स बना के रखना है जिसमें रबड़ बैंड, सारे कोन्स, कोन्स आप पहले से प्रिपेयर करके रखना, और कुछ आपको एक्स्ट्रा मेहंदी फॉर इमरजेंसी के लिए आप रख सकते हो। मैं हमेशा रखती हूँ कि अगर इन केस आपके पास ज़्यादा बुकिंग आ जाए तो उस टाइम पे काम आ जाए, ठीक है। सो ये देखो आप, ऑयल अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। अब देखो आप ये कितना पतला हो गया है, जितना आप मेरे को चाहिए उस हिसाब से परफेक्ट है। तो अब मैंने ये ऐसा नॉर्मल पॉली बैग है, इसमें मैं इसको डाल लूँगी प्रॉपर। सारे लम्स भी निकल गए हैं। आई नो बहुत ज़्यादा मेहंदी है, बट इट्स ओके, काम आ जाएगी, क्योंकि बुकिंग का कुछ भरोसा नहीं होता। अगर आज कोई आई तो ठीक है, नहीं आई तो प्रैक्टिस और अपने हाथ किस काम के हैं उस पे लगा लेंगे। तो ये अच्छे से बिना हाथ पे टेंशन लिए कलर की पूरी अच्छे से आप कंजूसी दिखा के सारी कटोरी में से निकाल लीजिएगा, चम्मच में से भी, ठीक है। बहुत महंगा सामान आता है तो कंजूसी दिखानी जरूरी है। सो अभी हम इसको पैक कर लेंगे। सीजर चाहिए मुझे, बैग में मैं लेके आती हूँ। काट दी है, अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा इसको ऊपर रख के इस तरीके से फिल करना है जो सीधा ही अंदर जाए। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत लगेगी कम ज़्यादा भरने में, बट फिर आपको आदत पड़ जाएगी। तो अभी मैंने ये इतनी भर दी है, आप देख सकते हो इतनी खाली है। अब हम यहाँ से प्रेस करेंगे और ये नीचे की तरफ जानी चाहिए मेहंदी, देखो निकल रही है, तो इसका मतलब आपकी कोन परफेक्ट बनी है। ओवर भी नहीं भरना है, ठीक है। एक दो बार आप स्टार्टिंग में इस तरीके से करना, तो इसी तरीके से आप सारे कोन भर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, जितनी आपको नीड है। नॉर्मली अगर आप यहाँ तक लगा रहे हैं तो 1.5 कोन में आपका आगे पीछे पूरा लग जाएगा, तो मेरे को भर के लगानी है, तो इसलिए मैं 4 से 5 कोन लेके जा रही हूँ। अभी 4 ले रही हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो एक्स्ट्रा मेहंदी इसीलिए हम लोग बना रहे हैं, वहाँ पे काम आ जाएगी, ठीक है। और मस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने हाथ पे पैच टेस्ट लेना ना भूले, इससे आपको भी याद रहेगा कि आपका कलर कैसा आया है, तो आपको एक अच्छे से पता रहेगा कि कलर आ रहा है। तो जाने से पहले अपने हाथ पे भी एक पैच टेस्ट ले लें। मैं हमेशा लेती हूँ यहाँ पे छोटा सा डॉट, जैसे लास्ट परसों मैंने लगाई थी तो यहाँ पे एक फ्लावर बना लिया था। तो अभी देखो पूरा काम वाम कर लिया, अभी भी कलर बहुत अच्छा है, तो इससे खुद को भी एश्योरिटी रहती है। तो अभी हम पैक कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं और निकलते हैं। और देखो मेरा कौवा क्या कर रहा है, सारी डिम्पल की जिंदगी खराब कर दी उसने। सुबह सुबह मेगा पिक्सल का कैमरा लेके आ जाते हो, कहीं तो चैन ले लो। हाय 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 हाय। अभी हमारी हो गई है रेडी। अब आप देख रहे हो कितनी मेहंदी जा रही है, तो इसलिए आप पेपर या फिर कोई वेस्ट कपड़ा आप रखिएगा हमेशा हाथ के हाल, देखो फॉरगेट इट, काम है। तो आपको करना क्या है, जो कोन निकल रही है ना अफो, इसको ठीक करने के लिए आपको मैंने लास्ट में भी बताया था, इस बार भी बता रही हूँ, यहाँ से प्रेस करना है और इसको पीछे की तरफ प्रेस करना है, फिर ये नहीं निकलेगी, ठीक है। तो ऐसे ही कर करके आप इसको रख लीजिएगा अच्छे से, और ऐसा बॉक्स बना के रखिए जिसमें आप कोन रखेंगे, 4 कोन फॉर वर्क। सीजर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके टिप्स को कट करने के लिए, एक्स्ट्रा मेहंदी, और ये एक्स्ट्रा आपके ब्लैंक कॉर्न विथ रबड़ बैंड। तो इसमें अगर आप देखोगे तो कम रखे हैं, ये रहा पूरा खजाना, और टिश्यू पेपर, और आपका कपड़ा जिसपे आप कस्टमर का हैंड रखेंगे तो वो अलग है, मेरा बैग ही प्रॉपर उस तरीके से आपको करना है, ठीक। काम करने जाऊं मैं आपके लिए ट्रीट लेके आऊंगा, ट्रीट चाहिए ना, चलो चलते हैं, जाऊं काम करने, बाय कर दो आज मेरे बेटा, बाय तो कर दे, ये बहुत नखरे इसके गुंडे के।
चलो बाय, मेरी कैब आ गई। पहुंच गए हम लोकेशन पे, अभी हमें जाना है 14th फ्लोर। सब जगह दिवाली दिवाली के लिए डेकोरेशन हो रखी है, ये देखो मस्त एकदम, सारे एग्जीबिशन लग रहे हैं ये। अभी मैं जा रहा हूँ घर, बैक टू कोकोज डॉक्टर के पास, उसके बाद चलते हैं हम घर। हम घर आ गए, पट्टी भी गला ली मैंने, छाल अच्छा मान लेके अब नन्नू से मिलते हैं। सोई रहा था, पकलो आई आई, क्या लाई है? मैं लाई आजा, तो लग गई मेरे, कितना काम करती हूँ तेरी रोटी रोज, तेरी रोजी रोटी के लिए कितना काम करती हूँ मैं। अरे मैया यार यार, प्याल तो कर ले यार, ले कल्लू पिया, कल्लू पिया। ट्रीट आई है मैंने जिसे प्रॉमिस किया था, दिखा दो ट्रीट, दिखा दो। ये लाई, थाना भी आया है, खिला के दिखा तभी तो मजा आएगा। चलो चलो भाग जा, भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा, अली मैया कितनी क्यूट ही पाए। चलो सो ये थी आज का व्लॉग वीडियो, कैसी लगी आपको ये वीडियो बताना जरूर, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मुझे नहीं लेना था।